राहुल गांधी को बच्चा युवा दिखता है। मंच पर कैसे भटकी राहुल गांधी की जुबान। 5 साल के मासूम को युवा बताकर क्या क्या पूछ गए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अपना लंबा सफर पूरा करते हुए मध्य प्रदेश के बुरहानपुर तक पहुंच चुकी है, जहां राहुल गांधी ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कई मुद्दों पर अपनी चिंता जाहिर की। राहुल गांधी खास तौर से देश की नई पीढ़ी और युवाओं को लेकर चिंतित दिखाई दिए। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए उसकी नीतियों पर सवाल उठाए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में जाकर खत्म होगी। ऐसे में ये यात्रा 3,570 किलोमीटर की है, जिसे पूरा करने में 150 दिन लगने वाले हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नाम क्या तुम्हारा? रुद्रा। रुद्रा भाई होके तुम क्या करना चाहते हो? रुद्रा देखो, क्या एज है तुम्हारी, क्या उम्र है? देखो रुद्रा 5 साल का है। इधर आओ भैया, दिखाओ अपना चेहरा इनको। यहां ऊपर आओ, ऊपर आओ। ये रुद्रा जो है, थोड़ा ऐसे करो, दम से करो, चलो, मध्य प्रदेश युवा हो, दम से करो, शाबाश। ये जो बच्चा है 5 साल का है, ये जानता है कि ये डॉक्टर बनना चाहता है, ये कोई छोटी बात नहीं। इससे अपना सपना बना दिया है, अब ये उसके लिए काम करेगा। स्कूल जाओगे, पढ़ोगे, डॉक्टर बनने की कोशिश करोगे, और इनका सपना है कि एक दिन ये डॉक्टर बने। मगर आज के हिंदुस्तान में रुद्रा का सपना पूरा नहीं हो सकता, और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। 70 दिनों से मैं चल रहा हूं, हर प्रदेश में मैं रुद्रा जैसे युवाओं से मिला हूं, 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है, सारे के सारे शिक्षा के इंस्टीट्यूट प्राइवेटाइज हो गए। तो अगर आपको अगर रुद्रा को बनना है, डॉक्टर बनना है, तो लाखों रुपए पहले जेब से, माता पिता की जेब से निकलने होंगे, करोड़ों। और उसके बाद रुद्रा को पता लगेगा कि माता पिता के खून पसीने ने उसकी शिक्षा, उसको शिक्षा दिलवाई, मगर जब डॉक्टर बनने का टाइम आया तो डॉक्टर नहीं बन पाएगा और उसको मजदूरी कर